नमस्कार, आज मैं आप लोगों को टेस्टिकुलर ट्यूमर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो टेस्टिकल्स हैं हमारे, हमारी सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के काम में आता है, और ये हमारे अंडकोश जो पेनिस के नीचे एक सैक जैसा होता है उसमें ये दो टेस्टिस रहते हैं। इसमें जो ट्यूमर बनते हैं, जो कैंसर बनता है, ये बहुत रेयर है। टू मेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, एक सेमिनोमा बोलते हैं और दूसरे को नॉन सेमिनोमाटस बोलते हैं। जो सेमिनोमा है ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, और नॉन सेमिनोमाटस जो है ये जल्दी जल्दी ग्रो करता है और स्प्रेड भी करता है। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि टेस्टिस का कैंसर इज़ ऑलमोस्ट 90-99% क्योरेबल अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। इसको हम अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं? जैसे अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर हो कि फैमिली हिस्ट्री है, फादर या ब्रदर में टेस्टिस का ट्यूमर पाया गया था, या आप बचपन से आपको बताया गया कि आपको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हुआ है, इसका मतलब आपके टेस्टिस नीचे नहीं आए थे बाय बर्थ और ये बाद में कोई छोटे ऑपरेशन के साथ नीचे लाया गया हो। सो इन टेस्टिस में ये कैंसर का जो इंसिडेंस है ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को टेस्टिस का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, और इसको जैसे अपने हाथ से थंब और फोर फिंगर पे टेस्टिस को रोल करके आप देख सकते हैं कि उसमें कोई छोटा सा बम्प या लंप या कुछ ऐसे आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो टेस्टिस बहुत स्मूथ होता है, और ऐसा कभी भी आपको लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसमें कभी खास दर्द नहीं होता है, कुछ भारीपन जैसा महसूस होता है और कभी कभी हाइड्रोसील बन जाता है। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं एग्जामिनेशन के बाद, वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, स्क्रोटम का जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी से पता लग सकता है कि उसमें कुछ ग्रोथ है कि नहीं, कैंसरस ग्रोथ है कि नहीं। उसके बाद ट्यूमर को जानने के लिए ये कैंसर है कि नहीं है, बायोप्सी नहीं होती है इसका, सीधा ही टेस्टिस को निकाल के फिर इसका टेस्ट किया जाता है, और ये एक प्रकार का बायोप्सी भी हो गई और इलाज भी हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल ऑर्किएक्टमी। और अगर ये सेमिनोमा है तो आपको रेडिएशन लग सकता है, और अगर ये नॉन सेमिनोमा है तो आपको आगे कीमोथेरेपी दी जा सकती है। आपको अगर पता लगे कि आपका अंडकोश में कुछ स्वेलिंग है या कुछ नॉर्मल जैसा आपको नहीं लगता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। इसके लिए आप अपोलो मेडिक्स आ सकते हैं, यहाँ पूरा सुविधा है, ऑपरेशन का भी, कीमोथेरेपी का भी, रेडिएशन का भी। धन्यवाद।